सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो होगी एक अनबॉक्सिंग वीडियो। ये रही हमारी वो चीज़ जिसकी हमने अनबॉक्सिंग करनी है। तो ये बेसिकली हमारे एक राइडिंग गियर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारे हेलमेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फुल वीडियो एक अनबॉक्सिंग के ऊपर होगी। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि मैंने कहाँ से परचेज़ करा है, कितने का परचेज़ करा है, इसको कैसे यूज़ करना है, ये कितना ड्यूरेबल है, हर चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा वो पार्सल जो हमने ऑर्डर करा था, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसको देखो। उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि मैंने ये कहाँ से ऑर्डर करा है और कैसे कैसे मैं इसको लेके आया हूँ। उसमें मैंने इसका एक छोटा सा क्विक रिव्यू करा हुआ है। आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। ये रहे हमारे वो नी गार्ड्स एंड हमारे एल्बो गार्ड्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक राइडर के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो ये हमारे इस कंपनी के, मुझे नाम तक लेना नहीं आ रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। इधर आओ, यहाँ पे इसके बारे में जो दी है मैं बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे फोम लगी होगी कोई, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये आगे इसका हार्ड शेल, ठीक है, नी कैफ और नी मूवमेंट के लिए। ये इलास्टिक स्ट्रैप है जिससे कि हम इसको अच्छे से टाइट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे कैसे यूज़ करना है। एंड इसमें एक चीज़ जो है जो मेन है, जो हमारे बाकी वाले राइडिंग गियर्स होते हैं उसमें वो चीज़ नहीं आती कि इसके ना नी के ऊपर एक अलग से मूवमेंट के लिए एक चीज़ लगी हुई है जिससे कि हमारी मूवमेंट जो है वो अच्छे से ईजिली हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। तो वो हमारे एल्बो पर भी लगा है, जो नॉर्मल नी गार्ड्स एल्बो गार्ड होते हैं तो उस पर ये चीज़ नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है जब आप बैठते हो, जब चलते हो, तो आपको ये जो हमारे नीज है थोड़ा बहुत फोल्ड होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इसमें वो हर चीज़ दी हुई है, इसलिए मैंने इसी को परचेज़ करा है। ये थोड़े से एक्सपेंसिव है नॉर्मल वाले से, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में सब कुछ। तो ये देखो, ये हमें मिलता है कैसे नॉर्मल से बैग में, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो जिप वगैरह लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले हैं, ये आगे हमारे नी पैड्स जो भी यहाँ पे कुछ इस टाइप के लगेंगे, मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसी के अंदर ये हमारा एक, तो यार उन्होंने पैक बड़े अजीब तरीके से करा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे, तो ये दोनों हमारे नी कैप्स, ठीक है। एंड ये आगे हमारे एल्बो के, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो ये इलास्टिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो इतनी आसानी से ये ओपन भी नहीं होंगे आपसे। अगर आपने यूज़ भी कर लिया तो इतनी आसानी से खुलेंगे भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी हम इसको स्टार्टिंग में फिट करते टाइम। तो मैं भी आज इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ आप ही के सामने, ताकि जितना नेचुरल हो हम उतना नेचुरल आपको दिखा पाएँ, ठीक है। तो ये है कि हमारे एल्बो के, तो यहाँ पर इस टाइप के लगेंगे कुछ। तो मैं दोनों चीज़ें आपको लगा के दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ उसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि नी के मूवमेंट के लिए जो चीज़ बनी है वो ये है। ये देखो, जो बाकी होंगी ना, बाकी आपकी मूवमेंट यहाँ से थोड़ी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें क्या है कि ये चीज़ देख रहे हो आप, ये देखो ये चीज़ यहाँ से अलग हो जाएगी। मतलब ये है ना, जब आप अपना नी बेंड करोगे तो यहाँ से ये चीज़ से बाहर आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि यहाँ से आपके पूरा थाई आएगा, ये चीज़ बेंड होगी एंड आपको कम्फर्टेबल फील होगा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वो चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि हमें कंफर्टेबल फील करवाती है, एंड काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, ये आपको अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगी। तो यहाँ से जब हम अपनी मूवमेंट करते हैं अपने जॉइंट की, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर आएगी, आपको कंफर्टेबल फील करवाएगी। तो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो, ये चीज़ यहाँ से ऐसे मूवमेंट करेगा। और ये भी अच्छी फोम है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है, आपको एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा, कुछ हार्ड फील नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ उसके मटेरियल के बारे में। तो ये जो है एक नॉर्मल प्लास्टिक है, लेकिन ये एकदम भी नॉर्मल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे बाकी नी पैड्स आते हैं। तो वो आपने देखे होंगे स्टेनलेस स्टील के आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वेट होता है उसको, काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं। तो ये हमारे इतने भारी भी नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अराउंड इनका मुझे लगता है 100-150 ग्राम का वेट होगा, लेकिन ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, जो कि आपको आराम से प्रोटेक्ट कर लेगी। ये भी सेम है, तो इनकी जो स्ट्रैप है इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इनको जितना चाहो उतना स्ट्रेच कर सकते हो आराम से। तो अब मैं आपको ये पहन के बताता हूँ। मैं भी नॉर्मल अपने घर वाले ड्रेस में ही हूँ, तो मैं आपको पहन के आपको छोटी स्लाइड करके भी दिखाऊंगा ये कैसे लगते हैं कैसे नहीं। तो मैं आपको पहन के मिलता हूँ, क्योंकि पहनने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसके स्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, इसको ओपन करना है, सब सारे स्ट्रैप को ओपन करना है एंड सिंपली यहाँ पर आपको अपनी टांग को डाल लेना है। तो अब मैं आपको पहन के मिलता हूँ।
मैंने अपने पूरे राइडिंग केस डाल लिए हैं। ये देखो, ये आ गए हमारे आर्म्स के एंड ये हमारे नीज के। तो अब मैं आपको इनकी मूवमेंट बताता हूँ कि एक जो इसमें एक प्लस पॉइंट हो कि मैंने नॉर्मल वाले को इग्नोर करके इसको परचेज कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा, तो देखो सबसे पहले चीज़ आएगी ये चीज़, यहाँ की जो मूवमेंट है वो जब मैं बैठूंगा तो ये जो एक नी कैप टाइप है या बाहर आएगी। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, ये चीज़ आपकी बाहर आ रही है, ठीक है। ये देखो, तो इससे क्या होगा कि आपको कंफर्टेबल फील होगा जब भी आप बैठोगे, आराम से बैठोगे। और यहाँ से देख सकते हो ये चीज़ पूरी पूरी बाहर आ चुकी है, ठीक है। जब मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा एंड ये अंदर, ठीक है, ये बाहर ये अंदर। तो यही सेम चीज़ इसके है, मैं को दिखाता हूँ। ये भी नॉर्मल है, मैं ऐसे करूँगा तो ये चीज़ थोड़ी सी इसको ऊपर कर लेता हूँ। मैंने अच्छे से इसको फिट नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कपड़े काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं। ये देखो, मैं अब इसको मूव करूँगा तो ये चीज़ यहाँ से बाहर आएगी। ये देखो, ये चीज़ दिख रही है ना आपको। तो इससे क्या होता है कि आपकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, जिससे कि हम कंफर्टेबल फील करते हैं और हमें कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं आती कि हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पहनी हुई है अपने कपड़ों के ऊपर। तो मेन चीज़ है कि मैंने कलर भी ब्लैक ऑर्डर करा है ताकि हमारी आउटफिट के साथ हमारी जो डार्क थीम है बाइक की उसके साथ मैच कर जाए, तो कुछ ओवर ना लगे। वरना आपको ये रंग बिरंगे किसी भी कलर में मिल सकते हैं सेपरेट स्टाइल में, लेकिन वो सब मैं प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैंने ये ब्लैक ऑर्डर करे हैं। तो आप मेरी पूरी लुक दे सकते हो नॉर्मली पीछे से। अभी मैंने थोड़ा जो मैंने ट्राउजर डाला है थोड़ा खुला खुला है, उसमें ऐसे ही पीछे से इतना ज़्यादा वो हो गया है, क्या कहते हैं इसको, इतना इकट्ठा हो गया। लेकिन जब मैं जीन पहनूंगा तब हम आराम से इसको फिट कर लेंगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट भी करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है। अभी मैं आपको अपनी बाइक पर बैठ के बताता हूँ अपनी पोजिशन ले कर ये कैसे लगते हैं हमारी बाइक पर, तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखो, अभी हम बैठ चुके हैं बाइक पे, इस टाइप से हम बैठेंगे एंड ये चीज़ चेक करो, ऊपर से दिखाओ, ठीक है। ये देखो हम बैठ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ से कितनी अच्छी तरह से कंफर्टेबल फील करवा रही है हमें, ठीक है। ये चीज़ खुद से बाहर आ रही है ताकि हमें अच्छे से कंफर्टेबल हो, और हमारा पूरा नी कवर है, नीचे से पूरा कवर है। तो हम यहाँ से ऐसा राइड करेंगे एंड ये एल्बम हमारी पूरी कवर है। ये देखो, अगर हमें अपने इंडोनेशियन पोजिशन में बाइक राइड करनी पड़ी इस टाइप में, जब हमारे एल्बम वगैरह एल्बम एंड शोल्डर थोड़ा डाउन होंगे, फिर भी आप देख सकते हो ये चीज़ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा रही है। तो मैं आपको एक छोटी सी राइड करके दिखाता हूँ एंड आप बताना कि कैसे सूट कर रहे हैं कि नहीं। मैंने बूट में अपने नॉर्मल घर वाले कपड़ों में स्लीपर वगैरह डाल दिया मैंने। अब मैं आपको छोटी सी राइड करके दिखाता हूँ। देखा जी, मैंने छोटी सी राइड ली है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सच में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ पहना हुआ है एज ए सेफ्टी गियर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मेरे इसके लिए एक थम्स अप है। तो इस चीज़ के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, वहाँ भी थम्स अप दे दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारी छोटी सी राइड जो मैंने आपको करके दिखाई, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ ये चीज़ ले लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एज अ राइडर हो चाहे ना हो, लेकिन ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें हर टाइम लेने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हेलमेट एंड देन उसके बाद ये ग्लव्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ले सकते हो, मेरे पास पड़े हैं, वो मैंने लिए हुए हैं। तो अब मेरी पूरी जो हमारी राइडिंग किट है वो तैयार हो चुकी है, बस एक हमारे शूज़ को छोड़ के। तो शूज़ को मुझे अभी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जो जो मेरे पास है वो इनफ है हमारे लिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ लो। इसका प्राइस मैं आपको बताना भूल गया, तो ये हमें मिले 2000, मीन्स कि हमें ये 2000 के अंडर पड़ चुके थे, अराउंड 1950 लगा लो, ठीक है, हमें ये इतने के पड़े हैं। ऐसे आपको ये अराउंड 2400 तक मिल सकते हैं, तो मैंने ये सेल पर ऑर्डर किया था, मुझे 1900 के मिले हैं। इस पर भी आपको शायद 2-3 मॉडल मिलते हैं, कोई 2400 का, 2600 का और शायद एक 2000 का। तो ये मैंने 2000 वाला लिया है। इसका नाम, ये इसका मॉडल का नाम है K11, तो उसका ध्यान रखना, कंपनी ये वाली है। तो मुझे इसका नाम भी नहीं बोलने आ रहा क्या लिखा, ये साइको है या सिस्को, जो भी है ये वाला कंपनी है। आप ज़रूर से इसको परचेज करो एंड अपना ख्याल रखो, मिल नेक्स्ट वीडियो में।